तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों आज सुबह जब मैंने मेरे फायर टीवी स्टिक को चलाया तो इसमें दोस्तों मैंने सिंपली जो है नेटफ्लिक्स को ओपन किया, क्योंकि शेयरिंग के हिसाब से ले रखा था कि भाई उसने परचेज किया था और हमने जो है उनसे पासवर्ड और आईडी ले लिया था। तो उसके बाद जो मैं इसको चला रहा था, यूज़ कर रहा था, लेकिन दोस्तों आज सुबह जैसे ही मैंने इसको ऑन किया नेटफ्लिक्स को, तो आप डिस्प्ले पर देखेंगे कि यहाँ से जो है मैंने एक मेरी आईडी जो है वो सिलेक्ट कर ली। 5 प्रोफाइल बन सकती है, उसमें से एक जो है मैंने इसमें चूज कर ली। लेकिन दोस्तों ये आप देखना कि ये एरर जो है शो कर रहा है। अब बहुत से लोगों के पास जो है ये एरर आ गया होगा, कुछ लोगों के पास नहीं आया होगा। तो एक दो ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप जो है इसको हटा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एरर क्यों आया। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है अब स्ट्रिक्ट हो गया है, वो जो है पासवर्ड शेयरिंग पे बैन लगा चुका है। जी हाँ दोस्तों, पासवर्ड शेयरिंग अब जो है बंद हो गया इंडिया में। पहले जो है ये कुछ देशों में इन्होंने बंद किया था और वहाँ शॉकिंग रिजल्ट उनको देखने को मिला। तो इस हिसाब से दोस्तों उनका जो है सब्सक्राइबर जो है डाउन होने चाहिए, लेकिन वहाँ जो है दोस्तों 10 गुना 20 गुना जो है बढ़ गए हैं सब्सक्राइबर्स और पेड सब्सक्रिप्शन जो है उन्होंने ले लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया में भी ये चीज़ लागू हो गई है। तो अब जो है नेटफ्लिक्स को जो है ये चीज़ करनी पड़ी है कि पासवर्ड शेयरिंग उन्होंने बंद कर दिया है। अब पर्टिकुलर जो है आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं या जिस घर में रहते हैं, वहाँ जितने भी आपके इक्विपमेंट है, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, वहाँ तो यह वर्क करेगा एक वाईफाई से। अगर आप दोस्तों दूसरी बिल्डिंग में, तीसरी बिल्डिंग में चलाते हैं तो वहाँ ये वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस तरह का आपके पास अगर एरर शो करता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बैक करना है और इसको जो है बंद करना है। तो 2-3 बार अगर आप इसको बंद करेंगे और वापस चलाएंगे ना तो यह चल जाएगा। मेरे 2-3 बार तो यह चल गया था, लेकिन दोस्तों अब जो है यह आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऐप वाले सेक्शन के अंदर जाना है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आप इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ट्राई क्या करना है कि आपको इसको बंद करना है, वापस से फायर स्टिक को रिस्टार्ट करना है और वापस से इसको जो है ऑन करना है। तो लेकिन स्टेप में दोस्तों आपको सेटिंग ऑप्शन के अंदर आ जाना है। सेटिंग ऑप्शन के अंदर आने के बाद आपको एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको जाके जो है मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन पर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेटफ्लिक्स सर्च करना है। तो नेटफ्लिक्स जो है हमारा नीचे देखने को मिल जाएगा, ये रहा। तो इस पर दोस्तों आपको, तो जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों सिंपली आपको इसको जो सेलेक्ट करना है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है लॉन्च एप्लीकेशन फोर्स स्टॉप क्लियर डाटा, तो आपको सिंपली जो है यहाँ से क्लियर कैच कर देना है। तो दोस्तों क्लियर कैच किया, उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर जो है आ जाना है और इसको जो है परमिशन देनी है। परमिशन में देख लीजिएगा सारी परमिशन वगैरह जो है इसमें अलाउ है या नहीं है। तो स्टोरेज की परमिशन जो इसमें देने की गई थी उसको मैंने जो है अलाउ कर दी है। अब आपको सिंपली दोस्तों होम बटन को दबा करके जो है बैक आ जाना है। अब दोबारा जो है मेरी फायर टीवी स्टिक को रीस्टार्ट किया, आपको सारा प्रोसेस करने के बाद में रीस्टार्ट करना होगा। उसके बाद देख पा रहे हैं नेटफ्लिक्स लिखा हुआ आ गया है, हमारा नेटफ्लिक्स जो है स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों वेट करते हैं थोड़ा सा कि वापस से जो है वही एरर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो है ये चल जाएगा। तो प्रोफाइल वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है हमको, वापस से वही प्रोफाइल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको अदर सेलेक्ट करनी है। तो जैसे दोस्तों मैं इसको प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूं तो वापस से वही एरर जो है शो कर रहा है। तो दोस्तों इसका एक नया तरीका और मुझे मिला है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नोड वीपीएन के थ्रू जो है इसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे और इसको दोस्तों मैं जो है बहुत जल्दी आपके सामने 100% फिक्स करके दिखाऊंगा। तो उस वीडियो के लिए जो है आप वेट कर सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों आपको अगर सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों जियो टीवी की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और फेसबुक पर जो है वो मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ आपको जो है फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर जो है आप जियो टीवी की वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।